अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने, क्योंकि हमारे घर में आज बहुत स्पेशल डे है। मतलब बोले तो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल डे है, क्योंकि मेरी मम्मी और बड़ी वाली बहन का बर्थडे है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एक साथ आज उनका जन्मदिन होता है, और मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी आज ही है। और फिर काशिफ भाई ने मेरे मतलब बहनों ने बोला कि आज बाहर चलते हैं कुछ डिनर उनर करने, तो ये हुआ कि प्लान बनाया गया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग डिनर शुरू कर चुके हैं। और फ्रेंड्स हम लोग पहली बार ट्रिपलेट्स को लेकर डिनर पे गए हैं, और ट्रिपलेट्स अब तो माशाल्लाह चलने लगी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान करती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनकी मम्मी 24/7 अपनी ड्यूटी दे रही हैं, और जिनको इनकी मम्मी पकड़ के बैठी हैं वो माशाल्लाह सबसे तेज़ भागने में है, इसलिए इनकी मम्मी उनको पकड़ के बैठी हैं। और जो इनके मम्मी के बगल में बैठी है इनको अपनी मम्मी बस चाहिए, इनकी मामा इनसे दूर ना हो किसी भी तरह। और उसी तरह इनके अब्बा भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं बेचारे और अपनी बेटी को भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। और रही बात दोस्त मेरी, तो मैं अपना खाने पर पूरा ध्यान देता हूँ, ना देखता हूँ दाएँ ना देखता हूँ बाएँ, बस बराबर अपने खाने पर फुल कंसंट्रेशन। फिर यहाँ पे जा रहे थे हम लोग केक काटने, और मेरी यहाँ छोटी वाली बहन है नहीं क्योंकि उसकी शादी हो गई है और वो इस टाइम पे दुबई में है, तो उसने मम्मी पापा के लिए केक ऑनलाइन ऑर्डर किया और केक आ चुका था, और केक बहुत ही बढ़िया था लेकिन वो थोड़ा मेल्ट हो गया था। खैर कोई नहीं, फिर मैंने केक को पूरा बाहर निकाला, पापा के सामने टेबल पर रख दिया, पापा मम्मी दोनों बैठी थी वहीं टेबल पर रख दिया। उसके बाद से फिर मेरे पापा ने ट्रिपलेट्स के भाई के साथ केक को कट किया, और फिर हम लोग फैमिली पूरी अपनी एंजॉय करी, उसको सेलिब्रेट किया बढ़िया से। फिर उसके बाद से आप लोग देख ही सकते हैं कि जिदान मतलब ट्रिपलेट्स का भाई केक, बच्चों को आप जानते हैं कि कितना जल्दी उनको बस मिल जाए, घर का खाना दाल चावल नहीं खाया जाता है, और यहाँ पे मेरे पापा केक कट करके ही निकाल लेते, पर जिदान से सब्र नहीं हुआ, जिदान ने कर दिया हमला। तो मेरे पापा ने कहा बेटा रुका थोड़ा संभला उसके बाद से पापा ने केक कट कर दिया। तो जिदान को किसी ने बोला नहीं था, पर उसने अपनी नन्नन को पहले केक खिलाया। फिर अपने नानू को केक खिलाया जिदान ने, और जैसे ही नानू को केक खिला के ओवर हुआ गेम, तो तुरंत जिदान ने कर दिया हमला। फिर अब हम लोग रेस्टोरेंट से फिर बाहर जा रहे थे, और जब तीनों को मैं साथ में लेके निकलता हूँ तो जो भी देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो फिर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे पेट्रोल टंकी पे पहुँचे, और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा खेलने के लिए हम लोग ने उतारा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों ने उल्टा सबको खेलवा दिया, और यहाँ पे इनके अब्बा ने मेन मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि ये बहुत भाग रही थी इधर से उधर, और यहाँ पे ये बहुत गुस्सा कर रही थी कि मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, लेकिन इनके अब्बा ने नहीं छोड़ा और कार में लेके अंदर। फिर मेरी बहन को लगा कि मैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, पर उसको नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को यहीं पर करते दिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।